एक्चुअली मैंने सोचा भी मैं हर साल को वक्रा वक्रा करना। पहला सी मैं रोड ट्रिप किया, हुण मैं स्काई डाइविंग की। इनू भी मैं 6 महीने बहुत मेहनत की है। स्काई डाइविंग की है, डर लगा सी मैनूं पहला पहला मैं देखता बैकअप नहीं है, कभी हो ही सकता बैकअप, मरना मंजूर है। फिर मैं 14,000 फुट तो 4 बारी जा चुकी है। एक क्यों मारी है, कल नूं मेरा मुंडा सुनाऊगा अपने मुंडे नूं तेरा दादा की करता सी। मुंडा मेरा मेरे बहुत सपोर्ट करता है, तो कहता डैड तू कर जो तेरा दिल करता कर। कित्थों मैं शुरू करा, कोई स्टोरी है नहीं सुनाने लई मेरे को अपने बच्चे नूं। इन्नियां ठगियां एक प्यो नूं अपने मुंडे नाल मारी जांदा पिया। इन्हां ने मैनूं अपने जद्दी घर चों बाहर कड्ढना सी। जे तुसीं मैनूं उदां ही कह दो भी घरों चल जा ते मैं चल जाना सी। नाले इन्हां ने अपना जलूस पिंड च कढाया ते नाले मेरा कढिया। अज जिद्दां मेरी मां मेरी ने मैनूं घरों कढिया ना, उस टाइम मैं कोई जवाब देने वास्ते मेरे को कुछ नहीं सी मेरे जेब च। फादर तुसी इदां मैंने कल ही किया। लोग मैनूं कहंदे सी तू उहदा मुंडा आ ते मैनूं जहर चढ़दा ही उदों। अपने मुंडे की मैं सौंक आ कहना आ, मेरी फैमिली मेरे घर तो 1-2 विदिन 5 मील ते रहिंदी आ। मैनू नहीं पता किहड़े रोड ते रहिंदी है। सत श्री अकाल, वन इंडिया पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अमनदीप स्वागत करती हाँ। पिछले कुछ समय की गल करा तो एक लंबा पैंडा तय करके अमेरिका तो इंडिया आए सी एक शख्स लम्मा पिंड से जलंधर तो। जी हाँ, लखविंदर सिंह उन्होंने नाम है तो इस समय मेरे नाल मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत है जी वन इंडिया पंजाबी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, तुसीं बहुत लंबा पैंडा, बड़ा लंबा रस्ता नाप के आए सीगे, है ना। सो बहुत लोगों ने तुहानूं देख के मोटिवेट भी होए सीगे। सो मतलब वो लंबा पैंडा तुसीं नापिया, फिर जिंदगी के कुछ हिस्से इदां दे तुहाडे दुख आए जिन्होंने तुसीं अज सांझा करना चाहुंदे हो। मैं जानना चाहुंदी हाँ कि वो की है जिन्हें तुहानूं मतलब कि तुसीं लोकां दे लई मोटिवेशन बने सी ते अज तुसीं खुद थोड़ा मतलब उदासी तुहाडे हिस्से आई है। तो एक्चुअली मैं पिछली बार उदों ही मैं थोड़ी क्वेश्चन थी मेरी फैमिली नूं भी, मतलब कि हुण मैं फिर आया दुबई आया। हूँ उत्थे मैं 14,000 फुट तो छाल मार के आया जहाज चों। तो हुण फिर मैं पुछण आया, मैं अपनी फैमिली फादर साहब नूं क्वेश्चन करने सी कि हर बंदे चल जाना। फादर साहब ने अपने पुछण मंगदा सी भी मैं किहड़ी स्टोरी सुनावां अपने मुंडे नूं तुहाडी, भी मतलब कि भी मेरे फादर ने यह किया अपने मुंडे नूं। तुसीं क्यों किया मैंने दा? पर मैं यही गल करदी हां, तुसीं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया और तुसीं अमेरिका तो इंडिया का एडा लंबा रस्ता नापिया और जिंदगी दे विच कहंदे ना कि जिंदगी का फलसफा साडे हिस्से है कि असीं उहनूं खुश रह के कट्टना या दुखी होकर कट्टना ना। सो तुसीं उस नूं मतलब कि कह लो भी एडवेंचरस भी बनाया। पर हुण ओही मैं तुहानूं सवाल कर रही कि तुहाडे पापा ने कीता, तुसीं कह रहे हो कि मैं अपने बेटे नूं की कहानी सुणावां, है ना। तुहाडे तो बहुत कुछ है, पर इन्ना उदासी कादी है? ये उदासी नहीं, मैनूं समझ नहीं लगती भी मतलब कि कित्थों मैं शुरू करा। कोई स्टोरी है नहीं सुनाने लई मेरे को अपने बच्चे नूं भी, मेरे फादर ने मेरे नाल किदां। मेरा बच्चा सोचदा पुछदा नहीं मेरे फादर बारे, कभी मैनूं तां नहीं पुछदा भी मतलब कि शायद मेरा प्यो गलत होवे। मैं तां नहीं सुनांदा भी मैनूं की सुनावां, कोई स्टोरी नहीं सुनाने वास्ते। ये मैं अपने फादर नूं पुछदा भी तूं चलो एक ब्रदर शरीका बन जांदा। फादर तुसीं इदां मेरे नाल कल ही कीता, दस दिओ तुसीं मेरे नाल कीता की। मैं बच्चे नूं स्टोरी सुणांदा। हुण जिहड़ी मैं एक कम करदा पिया ना, जिहड़े जिद्दां हुण मैं जंप मार के आया जहाज चों, ये मैं चंद इसलिए करदा पिया जिहड़ा मेरा मुंडा ना अपने अगे मुंडे सुनाऊगा भी तुहाडा दादा की करदा रहा। वो भी सोचने भी साढ़ा दादा प्राउड करता है। इसलिए फादर साहब मैं यही पूछना भी दसो तो इनका मैं क्योंकि हमेशा इन्होंने मैं बैक तल जाए खड़ा करते सी। एक मुंडा सी वो मुंडे ने मेरे नाल अज तो 25 साल पहले 2 लाख की ठगी मारी सी डॉलर की। फादर साहब मेरा साथ नहीं दिता है बिल्कुल। वो नाम सी कश्मीर सिंह खिंडा। उदों भी इन्होंने मैंने सारे गलत शौक तू ही गलत है। ठगी किवें मतलब किवें हुई सी? वो कोई बिजनेस शुरू किया सी, इन्होंने मेरा ना नहीं पाया ये सोच, फिर भी कहते पता नहीं की दिमाग सी। उदों मैं भी सोचता जब फादर आ उदों मैं रोड पर खड़ा हो गया सी आगे मेरा मुंडा सी। ये स्टोरी लंबी हो जानी है। तो फिर इन्होंने मेरे को 16,000 डॉलर देता बापू। अज मैं बापू यही कहना है अपने जे तुसी दोनों ही सच्चे हो ना, तुसी तो कश्मीर खिंडा तुसी मैनू उदों मेरे को पैसा कोई नहीं सी उस टाइम जो 2 लाख वो लै गए वो ही सी। मैनू कोई प्रूफ दे देना, कोई प्रूफ नहीं दे देना। मेरे फादर नू पता इस टाइम मेरी कितनी औकात है। मैं ना 10 गुणा वध पैसे 2.1 मिलियन डॉलर बनता उस तो ज़्यादा मैं वो कैश मैनू एक प्रूफ लिया के देने ला फड़ तेरा विच ना हैगा सी वो मैं दे दूँगा। कोई प्रॉब्लम मैनू पैसे दी। ये 18-19 करोड़ रुपये बनता है। फिर काफ़ी कुछ करते रहे, काफ़ी कुछ किया। मेरी माँ ने झूठा इल्जाम लाया मेरे ते आके भी तू पैसा कढ़ा लिया अपने भराव के अकाउंट चों अपने जीजे नूं दारू पिला के। जे मैं 1 रुपया भी कढ़ाया, एक सिंगल रुपया भी कढ़ाया। तो हर चीज़ का मैं गुनाहगार हाँ। मैं लोग कहते 10 गुणा मैं 100 गुणा मैं सारी की सारी प्राप्ति देने तैयार हाँ। मेरी माँ एक बारी आके कह दे भी क्यों किया मैंने, क्यों मेरे झूठा इल्जाम लाया। अच्छा मैं कश्मीर सिंह का जानना चाहवांगी कौन आ, पर मैं ये भी जानना चाहवांगी कि उन्होंने इदा का की देखा कि इन्ने इल्जाम या वो जोड़े आरोप लगा रहे हैं थोड़े पे। यही मैं पूछने वास्ते जी बैठा हाँ। अच्छा मतलब थानू भी नहीं पता कि वो क्यों इल्जाम ला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। मैं हमेशा उन्होंने पुछदा, मैं चिट्ठियां भेज के पुछदा सी ये दसो क्यों मैं करदा ही पिया गलत जां कोई मैं ड्रग वेचदा पिया कुछ करदा पिया। यही अभी मैं काम करता पाया सी, मेरा काम वधिया चलता पाया सी। फिर 100 गल्लां मेरा बापू मैनू पुछ ले 100 गल मैं हर गल का प्रूफ दूंगा। मैं एक गल पूछा तो मैनू एक गल का जवाब दे दो तुसी मेरे नाल इदां क्यों करते रहे। मतलब पहला भी तुहाडे नाल जिदा कि कश्मीर खिंडा नाल रल के तुहाडा धोखा होया कि पहला भी इदां कदी होया सीगा कि जिथे तुहानू लगा कि मेरे नाल थोड़ा भेदभाव किया जा रहा? ये शुरू से मेरे नाल भेदभाव होंदा रहा। हाँ मैं अपनी वाइफ तो सॉरी मंगता हाँ क्योंकि कभी मैंने रिस्पैक्ट नहीं की, हमेशा अपनी फैमिली रिस्पैक्ट करता रहा सी। मेरे फादर ने कहना तू फिर क्वेश्चन है डैडी तुसी मैनू कहते भी अपनी वाइफ के पेरेंट्स ना बुला, तुसी दूजे भरावां की कीता तुहानू घरों कढ़। मेरे दूजे ब्रदर ने घरों कढ़ता मेरे फादर ने। अच्छा। जदों उन्हां दी फैमिली आई उहदा साला आया मेरे फादर साहब कल घरों कढ़ता ही घर च। तो फिर भी फादर मेरा फिर उन्होंने पिछे आ। मतलब जो फादर नूं कड्ढिया सी उदों तुसीं संभालिया सी फादर नूं? नहीं, उदों मैं इंडिया रहिंदा हुंदा सी। वो किसी दे घर जाके रह के आए थे। एड्डी कोई देखदा कोई बच्चा अपने फादर नूं घरों बाहर कढ़ देवे? उन्होंने घरों बाहर फिर भी अखीर ते फिर इन्नियां ठगियां। एक प्यो नूं अपने मुंडे नाल मारी जांदा पिया, मैं उन्होंने एक सिंगल पैसे दी ठगी मारी होवे मैं दस दे किते भी। एक बंदा इन्होंने सारे नूं पता आ मैं कित्थे रहना आ, कोई प्रूफ लिया के दे देना भी एला प्रूफ तेरा होटल दे विच ना हैगा सी। मैं 2.16 मिलियन डॉलर एक मेरे को जो मर्जी मैं लाइव होके कह रहा मतलब कि लगभग 18 तो 19 करोड़। बिल्कुल जी 18 तो 19 करोड़ बनता ये लिया कह देन। जे एक गल झूठ आ तो फिर तुम मैं दस दो भी मैनू क्यों तुम मैंने इदा किया, क्यों तुम मैंने झूठ फील कराने ने। सो मैं जानना चाहनी एलीगेशन वाया थानू कितों आए ने कि जी उन्होंने एलीगेशन लाए, उन्होंने सीधा थानू कॉन्टैक्ट किया कि वाया लॉयर आए ने? नहीं लोए लो नहीं आए उदा जिदा पता लग एक दूजे के। लास्ट ईयर मेरी इतने माता आई थी मेरी और जाके महल्ले च कहते रहे मतलब कि बिट्टू ने पैसे कटा ले अकाउंट चो तो मैनू नहीं क्या सारे। फिर मेरी माता ने आके फौजदारी का केस करता मेरे ते फौजदारी का। अच्छा। सारे पिंड घूमी मैंने चलो थाने चलो कोई नहीं गया। फिर मेरे भरा ने अपना फ्रेंड भेजा कोई वो गया होना कुछ भी नहीं सी ना गल सी ना बात सी। इन्होंने मैनू अपने जद्दी घर चो बाहर कढ़ना सी। अपने जद्दी घर जे तुसीं मैनू उदां ही कह दो घरों चल जा तो मैं चल जाना सी। नाले इन्होंने अपना जलूस पिंड च कढ़ाया तो नाले मेरा कढ़िया। मैं एक मेरी फिर दूजे दिन फिर मेरी माता मामे पंचायत पंचायत कट्ठी करते हैं। मेरे मामे आए मकीरिया तो मेरे मामे ने मैंने आंदे कहता है कहता बिट्टू तेरी माता ने घरों बाहर कढ़ना है तो मैं कहा मैनू कह दी। जो थानू पता लगा तुसीं कहंदे आंढ गवांढ दे विच महल्ले च गल कीती हो सकदा सुनी सुनाई गल गलत भी होवे। नहीं मैं तां ही प्रूफ ना कह रहा नहीं मतलब हो सकदा कि जिहड़े मतलब लोग थानू तुहाडे तक गल पहुंचा रहे ने कहंदे हुंदे ना कि एक कान तो जदों दूजे कान तक गल जांदी है तां गल वध जांदी है वड्डी हो जांदी। हो सकदा ओह सुनी सुनाई गल होवे या फिर मतलब कि एक मिसकंसैप्शन क्रिएट करनी होवे। नहीं जो मेरे मामे सामने मेरी माता ने कहा सी भी बिट्टू ने बलजीत नूं दारू पै के कढ़ा लिया मतलब कि चलो तुसीं भी सुनिया। हाँ उस वेले मेरे को पैसा कोई नहीं सी। अजे जिद्दां मेरी माँ मेरी ने मैनूं घरों कढ़िया ना उस टाइम मैं कोई जवाब देने वास्ते मेरे को कुछ नहीं सी मेरी जेब च। जे मेरे को कोई 10-20 हज़ार रुपया भी हुंदा ना तो मैं कह देना सी। मैं जिद्दां रात नूं घरों गया चलो बिजनेस मैं करता सी अप डाउन बिजनेस होंदे रहिंदे आ कोई प्राप्ति सी उदन मेरे को 100 रुपया भी नहीं सी। शहर कोठी चला गया उत्थे मेरा फ्रेंड मैनू 10 हज़ार रुपये दे गया। शहर में कोई कोठी हैगी सी वो 10 हज़ार रुपया बड़ा सी। चलो रब नाल सी। फिर तुरदा तुरदा ते चलो कोई नहीं। वो कश्मीर खिंडा कौन है? एक्चुअली वो मेरा पेंडू भी सी शुरू तो इकट्ठे हुए हैं। ਉਹਨੂੰ मैं 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੜਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੜਾਤਾ? ਚੈੱਕ ਫੜਾਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਫੜ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਟਲ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ रात को कम करे जब लेबर नहीं लेबर करना तू लेबर कर। मैं समझ लगी भी की करते पे इदा क्यों मैंने इदा करते पे है। फिर बाद मैं दूजे तीजे चौथे से पता लग गया सी भी मेरा बच्चा ना है नहीं गा। तो चलो कोई नहीं बाबे की बड़ी मेहर हो गई सी अज भी ठीक है। बस मैं दुख यही है भी अपने भरावां ते मैं दुख नहीं मैनू पता आ बैक तो मेरा ब्रदर ही है। बापू जो करा रहा बापू नहीं करता वो ही कर रहा। भी बापू नूं की लोड़ सी भी तू शरीके तो बाद में इन्होंने इदा शरीका भी नहीं करता जो की है। जिदा तुसीं कहा तुसीं चिट्ठियां भी लिखियां तो कभी बाय फोन बाय फेस या फेस टू फेस बह के गल क्लीयर करन बारे नहीं सोचा? फेस टू फेस एक बार बैठे सी लम्बे पिंड 2-3 साल पहला मैं बापू नूं यही क्वेश्चन किया सी। मैं क्या तू मैनूं 1 लाख गल पुछ मैं तैनूं हर गल का जवाब दूंगा मैं तैनूं एक पुछ जवाब दे दे तू कहंदा पहला तू पुछ ला। फिर चुप कर गया। फिर उन्हें कोई जवाब देता नहीं मैंने। तुसीं पूछा किसे तो? मैं पूछा ही दस तू मैंने इदा कल ही की है। अच्छा मतलब शुरू तो भेदभाव का तो किता? हाँ कल ही किता। वो कोई जवाब नहीं दिंदा। हुण जो चिट्ठी व्हाट्सएप लिख के भेजदा वो मुरे गालां कढण लग पैंदा आ। अच्छा तू शराबी फलाना टिंगरा ये सब कुछ तुसीं सह रहे हो ना? नहीं सह रहे भी बच्चा खून तो उन्हां दा ही है ना जां तो है ना भी मैं ना स्टैप सन वा शायद हो भी सकता मैं मैनू नहीं पता क्यों। जे है इदा की गल कोई तो तां भी मैनू दस दें। सो तुहाडा एक बेटा है ना मिसेस वो तुहाडे नाल रहिंदे ने कि उन्हां नूं कोई तंगी परेशानी आउंदी है क्योंकि फिलहाल तुसीं तां इंडिया बैठे हो US बैठे ने मदर फादर भी US ब्रदर भी उन्हां नूं कोई तंगी परेशानी? नहीं कोई तंगी परेशानी यार अपने घर है ना। मैं तेनूं मेरे फैमिली है ना जो फैमिली तो मैं मानता नहीं हूँ। मैंने जो ना कोई मेरे कवे ना लवे जहर जी चढ़ रही है अपने मुंडे की मैं सौंक आ कहना आ, मेरी फैमिली मेरे घर तो एक दो विदिन 5 मील से रही है, मैनू नहीं पता कि रोड पर रही है, फैमिली भी नहीं पता ना। जो मैनू कहना तेरा भरा, जो मैं तो टू करके गया सी, लोग मैनू कहते थे तू ओहदा मुंडा आ, तो मैं जहर चढ़ता ही उदों। जो तुम रोड ट्रिप किया सी है ना, भी मतलब मैं वही देख रही एक पासे तुम पूरी एडवेंचरस लाइफ जी रहे हो है ना, भी रोड ट्रिप ते आ रहे हो, अमेरिका तो इंडिया आ रहे हो, वाया पता नहीं किहड़ी किहड़ी कंट्री तो आए होने, तुम वन सवन्ने लोग मिले होने, वन सवन्ने पकवान देखे होने है ना, भी वो लोग भी देखे, एक पासे तुम अपना परिवार देख रहे हो है ना, भी मतलब बहुत अजीब जी गल लगती है। मैं भी हालांकि ऑन कैमरा साझा करांगी कि तुसीं जदों वख-वख तरह के लोगों नूं मिले होने आ, वख-वख तरह के उन्हां दे पकवान खाधे होने आ, वख-वख तरह के लोगों नाल बैठे होने आ, उन्हां दे सुभाअ च, ते एक पासे जिहड़े अपना ही परिवार उन्हां दे सुभाअ दे विच इन्ना अंतर देखदे होंगे तो की बीतदी होगी है ना। एक्चुअली जे मैं इह टूर ना करदा ना, शायद मैं गल्लां सारियां अपने मन च दबी रखदा, ना खुल के बाहर लैके आता। मैं दुनिया देखी है, तेनों किसी अपने की लड़ नहीं, बाहरों तेनों बहुत लोग बाहर मिलते हैं, तेन हर दिल की गल साझी करते आ, इदा उदा। इसलिए भी मैं दूजे कई मैं इदा के बंदे मैं जानता जिन्होंने वो इंडिया आना मांगते हैं, वो आ नहीं सकते सिर्फ फैमिली मैटर करके, वो फिर बोलते भी नहीं, उन्होंने जहर घुल जाता। एक्चुअली मैं जहर से मेरे बहुत ज़्यादा कट्टा होया पे, मैं बाहर कढ़ना मांगता सी, और मैं हूँ तो कुछ बोलूँगा भी मेरे मुंडे ने लाइव कहता भी 18 करोड़ रुपये मैं दूँगा, उन्होंने कश्मीर में जाके पूछूगा कश्मीर मैनू डाकूमेंट दे जो ना पाया सी, भी उल्टा मैं तेन 16,000 डॉलर होर कुल देता है, हूँ पूछू ना, जे हूँ ही नहीं पूछा फिर एंड है। फिर फादर साहब ने कश्मीर खिंडा जी ने भी नहीं पूछा ना, उन्होंने जाकर पार्टनरशिप कर ली थी, मतलब उन्होंने दोनों की पार्टनरशिप हो गई, तो जो तुम $2 लाख दिता सी तो बाहर कर दिता उन्होंने, तो वो दोनों आप रल गए, आप पार्टनरशिप कर ली, बिल्कुल बिल्कुल आप पार्टनरशिप कर ली थी। मैंने भी दुख कोई नहीं, मैंने भी दुख कोई नहीं भी तू इदा किया क्यों मैंने। सो जिवें तुसीं दस रहे हो कि फादर साहब उन्हां दे पिछे ला के तुसीं मिसेज नूं इग्नोर करदे सीगे, सो वो शिकायत नहीं करदे हुण, क्योंकि बींग अ फीमेल या कहां कि औरतां नूं जदों उन्हां दा हक नहीं दिंदे तां असीं कई वारी ना फिर शिकायत भी करदे आ ना, ते अज जदों तुहाडे नाल सब कुछ होया शिकायत नहीं करदे? नहीं, वाइफ नहीं शिकायत करदी, अज मैं अपने आप नूं शिकायत करदा हां, कल मैं उहदे पेरेंट्स बुला लैंदा उत्थे, उहदा भी विचारी दा नाल हुंदे, उहदी भैण नाल बैठी हुंदी, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਭ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ जो मैं गलत काम किया ना, मेरा मुंडा अपनी वाइफ ना काम ये काम ना करे, जिदा वो भी किसी की कुड़ी आ जिन्हें आना, उन्हें अपने घर दे छड्ड के दूजे देश जाना। इसलिए वो देखे भी डैडी ने मेरे लाइफ सॉरी मंगी है, कल मेरी नूंह भी आवे देखे भी हाँ भी। सो जी जिदा हुण तुसीं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ $2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ? ਜ਼ੀਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, जीरो तो सी की कुछ देखा उस समय। मैं रब नूं नहीं मानता, रब च मैनूं विश्वास बहुत है, बहुत विश्वास है। जे मैं झूठा आके मत्था ना, मैनूं पता जे तुसीं सही है ना, रब भी थल्ले आके खड़ा होकर तुहाडी हैल्प कर दिंदा। मैं विश्वास बहुत है, मैनूं बहुत है, बहुत ज़्यादा है। कोई मेरी कोई फैमिली से तो बटाले दी, मैं फिर जो छड्ड के सीधा उन्होंने चला गया सी, फिर उत्थे मैं बिजनेस लै लिया तो किसी ने इदा हैल्प करती तो पुराने यार दोस्त उन्होंने और बिजनेस मेरा इन्ना चलिया। इन्ना भी मैनू मैं लक्की भी हाँ जो इन्होंने छड्डिया ना इन्होंने बैक मैं मुड़ के देखिया नहीं इस वेले। सो हुण एडवेंचरस लाइफ वाल भी जी थोड़ी चाहिए क्योंकि तुसी बहुत मतलब जी मैं थोड़ी स्टोरी सुनी है तो ओबियसली दिल पसीजदा है ना भी जे इन्ना कुछ तुसी फेस कर रहे हो और जो बंदा सही होवे उदो फेस करे तो उदो ज़्यादा दुख लगता। हालांकि असी दूसरा पक्ष भी जरूर जानना चाहेंगे पर एडवेंचरस लाइफ वाल भी जेकर फोकस करिए असी तो हुण तुसी हाल ही दे विच 3 दिन पहला दुबई तो आए हो सो उस सफ़र बारे भी थोड़ा जिहा जी साझा करना चाहो। दुबई तो एक्चुअली मैंने सोचा भी मैं हर साल को वक्रा वक्रा करना जो पहला सी मैं रोड ट्रिप किया हूँ मैं स्काई डाइविंग की इनू भी मैं 6 महीने बहुत मेहनत की क्योंकि मेरी उम्र 54 है 53-54 है तो साइकलिंग की पहला फिर मैं 14,000 फुट तो छाल मारी जहाज चो थले एक क्यों मारी है। कल नूं मेरा मुंडा सुनाऊगा अपने मुंडे नूं तेरा दादा की करदा सी। हुण मेरा अगला एडवेंचर है बहुत वधिया आ रहा भी सोच लिया। हाँ मैं सोचा सारा कुछ करना है करना वखरा वखरा करना हर बारी कुछ नवा जरा कभी किसी ने किया ना हो। जो थानू पता कि थोड़ी एज 53-54 आ मतलब जे असी गल करिए तो सानू भी डर लगूगा है ना स्काई डाइविंग करन लगे तो मतलब वाइफ ने या बेटे ने विरोध नहीं किया क्योंकि विरोध कौन करता जड़ा सब तो ज़्यादा प्यार करता कि कितने कुछ हो ना जाए या मतलब कि डर ना जावो सो विरोध नहीं किया उन्होंने करते आ जिदा शुरू तो आता नहीं सुन दे। अच्छा हाँ करते एक्चुअली मुंडा मेरा मेरे बहुत सपोर्ट करता है वो कहता डैड तू कर जो तेरा दिल करता कर ते वो नहीं बापू नूं गल्लां पुछण दा भी रीजन हैगा सी क्योंकि मुंडा मेरा 100% सही लाइन ते चलदा पिया आ जे मुंडा मेरा थोड़ा क्योंकि सपोर्ट करदा ते तुसीं उन्हां दी नज़रां दे विच मतलब चाहुंदे नहीं कि गलत साबित होवो। हाँ बस ये रीजन है। हाँ बिल्कुल भी कल नूं मुंडा क्योंकि हुण मैं मुंडे सामने नूं की स्टोरी दस्सां सामने फादर दी वो मैनूं पुछदा नहीं भी कि मेरा फादर गलत ना होवे। हुण लाइव देखूगा सोचूगा भी की कीता फादर ने कितने कौन गलत है बाकी उन्होंने थोड़िया गल्लां दा पता भी है पर फिर भी ना जिदा वो कहता कोई नहीं। रोड ट्रिप वाली इंटरव्यूज़ तो थोड़ियाँ बहुत वायरल हुई सी है ना सोशल मीडिया पर उनके रिलेटिड भी मैनूं मेरे को एक सवाल सीगा जदों तुसीं अलग अलग मुल्क दे विच गए पेपर वर्क बहुत हुंदा वीज़ाज वैसे ही नॉर्मली नहीं मिलते अरब कंट्रीज़ से तो होर भी ज़्यादा औखे हुंदे ने है ना सो वो सब तुहाडे लई किन्ना औखा सीगा। औखा थी उदों मैनूं 3 साल लगे सी उदों पेपर वो करदे नूं जदों घरों तुर पिया सी फिर सीधा वाघा बॉर्डर ते दिखदा ही किवें खाना किवें रुकना गड्डी दे विच तां तुसीं सीगे ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਬੈਕ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਛੜ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ एकदम छाल मारती उदों मन दे विच तां नहीं ख्याल आया सी क्योंकि पता नहीं मतलब ओबियसली हुंदा बंदे नूं मैं घर वापस जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा आंदे बैठ ख्याल आंदे बैठ चलो कोई नहीं तां तो रब च मैनूं बहुत ज़्यादा विश्वास है। अगला एडवेंचर असीं सून देखांगे फिर नेक्स्ट ईयर इस तो वधिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया तुसी अपनी एडवेंचरस लाइफ के किस्से तां सांझे कीते पर जो तुसी पिंडे हंडा रहे हो दर्द वो भी तुसी साडे नाल सांझा कीता। जे बापू मेरा दस दे मैनूं इदां क्यों कीता ना बाबू दा मैं सारी उम्र ऋणी रहूँगा बस मैनूं इक्को ही जवाब चाहिए भी तुसीं इदां क्यों कीता मेरा जिन्हों पैसे की लोड़ सी मैनूं दस दिंदा अज भी मैनूं दस दे मैनूं ये लोड़ है मैं दे दूँगा हर चीज़ मैनूं सीधा मैं आके। सो इन्हें लखविंदर सिंह जी जिन्हां दा पिछले साल एक इंटरव्यू बहुत वायरल होया सी जदों उन्हां ने अमेरिका तो इंडिया दा रोड ट्रिप कीता सी, अलग अलग देशों के विचों जिहड़ा सीधा बाघा बॉर्डर ते आके रुके सी। ते हाल ही दे विच उन्हां ने 3 दिन पहलां जिहड़ा है दुबई दे विच स्काई डाइविंग कीती, जहाज़ दे विचों छलांग लाई। कहना कि हर साल जिहड़ा एडवेंचर करना चाहुंदे, एक पासे एडवेंचरस लाइफ ताकि मिसाल बन सकण अपने पोते पोतियां दे विच कि उन्हां दे दादे ने इन्ना कुछ कीता, एक पासे वो खुद इन्ने मायूस ने कि उन्हां दे नाल जो हो रहा है, जो उन्हां दा कहना है, जो वो अपनी फैमिली ते आरोप लगा रहे ने कि उन्हां दे फादर साहब जिहड़े ने वो उन्हां ते आरोप लगा रहे ने कि उन्हां ने पैसा ले लिया या कोई इदां दी गल है कि उन्हां वो अपने फादर साहब नूं पुछणा चाहुंदे ने कि भेदभाव क्यों किया जा रहा है उन्होंने। सो उन्होंने की कहानी तुहाडे रूबरू की। फिलहाल के लिए इन्ना ही। कैमरामैन अभी दे नाल मैं अमनदीप, वन इंडिया पंजाबी। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।